पश्चिम बंगाल में नबन्ना प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कोलकाता के बाटा चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के इस बंद को जनता का समर्थन मिल रहा है। लोग अपने अपने तरीके से बंद का समर्थन कर रहे हैं। मौके पर सुरक्षा बल तैनात है। इस बीच पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी समेत कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद लॉकेट चटर्जी ने पूरे जोश के साथ कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस पे गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए, विचार कुछ नहीं होने वाला है। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। वहीं हिरासत में लिए जाने से पहले बीजेपी नेताओं ने शब्दों के जरिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कुछ यूं हमला बोला था। साथ ही कड़ा विरोध जताते हुए ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की थी। तो जनता ने मुद्दे को ये बंद अंदर से समर्थन कर रहे, दिल से समर्थन कर रहे, आप लोग देख रहे दिल से समर्थन है। जो भी हो पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जनता मुद्दे को समर्थन कर रहे हैं, हम लोग जनता के साथ है। नड्डा जी ने कहा है कि सारी क्रुएल्टी की हदें पार हो गई है बंगाल में। नड्डा जी ने कहा है सारी क्रुएल्टी की क्रूरता की सारी हदें पार हो गई है बंगाल में। एकदम पश्चिम बंगाल में लॉ कुछ नहीं है और एक महिला होके महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूफ कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। जिस ढंग से पुलिस ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन को पर हमला किया, इसी का खिलाफ हम लोगों ने आज सड़क पे उतरा और हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में जैसा राज चल रहा है वो शरीरतांत्रिक राज, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आवाज और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग आज 12 घंटा का बंद बुलाया। टीएमसी ने कहा कि कोई बंद नहीं होगा, बंद तो हो रहा है। आप देखिए जनता नहीं निकले, कुछ बसें चल रहा है लेकिन उसमें कोई पब्लिक नहीं है। इस समय ऑफिस का टाइम है लेकिन आप देखिए बस में सीट पूरा खाली है, बस में सीट खाली है, बैठने के लिए पूरा जगह है। इसलिए जनता इस बंद को समर्थन किया, तृणमूल को समझना चाहिए इस बंद का साथ जनता जुड़ गया। इसीलिए अभी भी तृणमूल सबक सीखे और ममता बनर्जी त्याग पत्र दे दे, उनका त्याग पत्र का मांग को लेके हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना नहीं। हाँ माना है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ आए स्लोगन्स दे रहे हैं आपके खिलाफ, कैसे देखती है? उनको देने दीजिए, वो बस देखिए 6 लोग जा रहे हैं, 6 से 8 लोग जा रहे हैं उस बस में, मतलब जनता ने माना हमारा। इसमें देखिए 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 8 8 10 10 लोग एक बस में। हाँ, जनता ने माना है। मैडम टीएमसी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एनफोर्स कर रही है बंद को, आपको क्या लग रहा है? रास्ते में मैं खड़ी हूँ, मैं किसी बस को रुका? आपको दिख रहा है मैंने किसी बस को रुका, किसी ऑटो वाला को रुका? आपने देखा मैंने किसी को एनफोर्स किया, जबरदस्ती किया? नहीं किया ना। मेरा सवाल मुझे पूछिए। मैडम टोटल 150 से ज्यादा, और वो शायन जो है जो ऑर्गेनाइज किए थे उसको भी कल पुलिस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस आज की तारीख में इतनी बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो उर्दी छोड़ के जब घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वो उर्दी छोड़ते ना कभी ना कभी तो उर्दी से अपने अपने कपड़े में आते हैं, तब वो अपने अपने आप को सवाल का जवाब क्या देता है? उनके मन में होता नहीं है, उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है, माँ बहन नहीं है, उनको भी तो अपने मोहल्ले में वापस जाना पड़ता है, इलाका में वापस जाना पड़ता है, उनको शर्म नहीं आती है? नहीं आती। मैम आगे किस तरीके से रणनीति जारी रहेगी बीजेपी द्वारा?
आगे किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन जारी रखेगी? हमारे राज्य सभापति जो है सुकांतो मजुमदार, उन्होंने बहुत सारा प्रोग्राम का हमारे पास लिस्ट दिया है, पब्लिक के भी अनाउंस किया है, उसके अनुसार हम हर एक दिन का कुछ न कुछ प्रोग्राम करेंगे। जैसे कल हमारा धरना मंच शुरू होने वाला है। जीवन जय हो।